हेलो दोस्तों, शाम के इस वीडियो में तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों को लेकर, दसवीं बोर्ड की परीक्षा के रद्द कार्यक्रम को लेकर, साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती पर और रीट परीक्षा पर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। यूपी बोर्ड के छात्र जो दसवीं बोर्ड में थे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी जो परीक्षाएं उन्हें निरस्त कर दी गई, और साथ में 6 से लेकर 11वीं तक के जितने भी छात्र हैं, 6, 7, 8, 9 और 11वीं सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की भी घोषणा की गई है। साथ में 12वीं बोर्ड में जो अभ्यर्थी थे उनके लिए भी घोषणाएं कर दी गई हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू करा दी जाएंगी। इसकी घोषणा खुद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने की है और कहा है कि यह परीक्षाएं केवल 1.5 घंटे की होंगी। साथ में यहां पर देने होंगे 3 ही प्रश्नों के केवल उत्तर, और इन सभी को प्रमोट किया गया है। केवल 12वीं के जो छात्र हैं उनको परीक्षा यहां पर देनी पड़ेगी, और बहुत ही कम समय यानी कि 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, और उसी के आधार पर सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। तो यूपी बोर्ड के छात्रों को जो लंबे समय से इंतजार था उनका इंतजार आखिर आज समाप्त हुआ, और अच्छी खबर है 10वीं और 12वीं व अन्य जो भी छात्र हैं सभी छात्रों के लिए। तो साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज तक से अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली है, और इस रिपोर्ट में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाले का जो मामला है वो सामने यहाँ पर आया है, और इस पर पिछड़ा आयोग ने माना है कि शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर आरक्षण का जो है घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती में किया गया है। तो आज तक के द्वारा ये अपडेट किया गया है, और इसके खिलाफ कार्यवाही आयोग जल्द कर सकता है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के माध्यम से अपडेट किया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो करवाई जाएंगी, साथ में रीट परीक्षा पर जल्द घोषणा होगी। ऐसा खुद वहाँ की सरकार के द्वारा ये घोषणा आज सोशल मीडिया पर की गई है। सीकर के माध्यम से राजस्थान माध्यमिक परीक्षा की परीक्षाओं के साथ रीट परीक्षा की जो घोषणा है वो आने वाले कुछ दिनों में कर दी जाएगी, ऐसी अपडेट दी गई है। तो अच्छी अपडेट है जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये शाम की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।